एनर्जी सन से भी आती है, एनर्जी मून से भी आती है, पर दोनों की एनर्जी में डिफरेंस है। सन की एनर्जी को हम झेल नहीं पाते, पर मून की एनर्जी हमें ठंडक देती है। श्रद्धा भारद्वाज न्यारी की फाउंडेशन की ओर से। नंबर टू मून का नंबर, नंबर टू इमोशंस का नंबर, नंबर टू हमारे अंदर के फ्लो का नंबर। मून जो है अपने आप में एक लाइट एमिटर नहीं है, मून सन से लाइट लेता है, आगे उसे एमिट करता है। एनर्जी सन से भी आती है, एनर्जी मून से भी आती है, पर दोनों की एनर्जी में डिफरेंस है। सन की एनर्जी को कई बार हम झेल नहीं पाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, पर मून की एनर्जी हमें ठंडक देती है। मून दर्शाता है माता को, मून दर्शाता है फेमिनिन को, मातृत्व को, नर्चर को, कहीं ध्यान रखने को, किसी की सेवा करने को, दूसरों से घुलने मिलने को, उनके साथ जुड़ने को, मन को महसूस करने को, इमोशन के साथ जुड़ने को, किसी को कुछ देने को, किसी के साथ दर्द बांटने को, हीलिंग करने को, ज्ञान देने को, अपने अंदर दो पहलू बनाना। मून, माइंड के अंदर दोहरी मानसिकता क्रिएट होना, मून, जिसे ड्यूअल मेंटेलिटी कहते हैं, एक फ्लिकरिंग मेंटेलिटी कहते हैं इसे। जैसे मून के पक्ष होते हैं, मून 15 दिन कृष्ण पक्ष में, 15 दिन शुक्ल पक्ष में होता है। मून 15 दिन डार्कर साइड पे और 15 दिन ब्राइटर साइड में होता है। ऐसे ही मून पर्सनालिटीज होती हैं। ये डार्क और व्हाइट लगातार शिफ्ट होता रहता है इनका। अपनी पर्सनालिटी के अंदर दो व्यक्तित्व भी देख सकता है, इसे हम ड्यूअलिटी कहते हैं। दूसरों के साथ काम निकालना, एक शांति के माहौल में रहना, शांति प्रियता मेंटेन करना। मून लड़ने में बिलीव नहीं करता, मून को झगड़ा लड़ाई फसाद पसंद नहीं है। मून वाले इंसान को हम कहते हैं कि अपने शांति के माहौल में जाइए, कहीं ऐसे इंसान से कनेक्ट मत कीजिए जिसके साथ मिलने के बाद में आपके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट हो। मून को शांति पसंद है, इसी कारण से ये दो लोगों के बीच में जब समस्या खड़ी होती है तो उसे सॉल्व भी करते हैं। इनके प्रोफेशन भी पीस गिविंग प्रोफेशन होते हैं, एक साइलेंस इंड्यूसिंग प्रोफेशन होते हैं, पीस इंड्यूसिंग प्रोफेशन होते हैं। हीलिंग, नर्सिंग, ट्रीटिंग समवन, टीचिंग समवन, शिक्षा देना, तिमतगारी करना, आराम देना किसी को, कंफर्ट्स के लिए काम करना, अपने और दूसरों के सपने पूरे करने में सहायता करना, मन के भाव को पढ़ना और उन्हें प्रॉपरली एक तमीज तहजीब के साथ में सम्मान देना। मून को हम यूनिवर्सल रिफ्लेक्टर भी कहते हैं। ये अपने से ऊर्जा जनरेट नहीं करते, ये कहीं और से आइडियाज, कहीं और से ऊर्जा लेते हैं और दूसरों तक स्प्रेड करते हैं। रिफ्लेक्टर की तरह काम करते हैं, तो ये जो भी दूसरों से ले रहे हैं उसमें से हार्मफुल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रिक्वायर्ड को रेडिएट करते हैं, एमिट करते हैं। इस प्रोसेस में कभी कभी अपने को भी हर्ट कर लेते हैं, अपने को भी बर्न कर देते हैं, बट इनका एब्जॉर्प्शन और इनका रिफ्लेक्शन बहुत प्यारा होता है।